अरे वाह यार, मेरे को उड़ाने देना। नहीं। उड़ाने देना यार प्लीज। अरे दे यार। अरे रुक 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 रुक, कहाँ से लेके आ रहे हो ड्रोन? मेरे को दे, चल हट। नहीं मेरा, हट। अरे नहीं हट, मेरे को उड़ाने देना यार थोड़ी देर। नहीं, क्यों? दूसरा ले आओ। अरे यार दूसरा ही लेकर आना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। चल ठीक, अब बेटा मैं लेके आऊंगा, तेरे को उड़ाने दे दूंगा, देख ले अभी देना है तो दे दे। देख ले अभी देना है तो दे दे, नहीं तो फिर बाद में मैं नहीं दूंगा। तुम लोगों ने मेरे को चलाने नहीं दिया ना, अब भाग जाओ यहाँ से, छू जाओ, चलो भागो यहाँ से, मेरा ड्रोन है ये। तो गाइस मेरे को बहुत टाइम से जरूरत थी एक ड्रोन की, और फाइनली आज मैं ड्रोन लेके आ गया, क्योंकि मेरे को हाइट से ऊपर से एंगल लेने थे, काफी सारे शूट करने थे। बड़ा सा पतंग लेके आया हूँ, और अभी कुछ ही दिन बाद वो वीडियो भी आपके पास आने वाली है, और उसका शूट मैं ड्रोन से लूंगा, तो उसके लिए मेरे को ड्रोन की जरूरत है। तो फाइनली मैं लेके आ गया, आपको बता दूं ये ड्रोन कौन सा है। ये है DJI का मिनी 4 प्रो, जो कि अभी लेटेस्ट हाल ही फिलहाल में 1-2 महीने पहले लॉन्च हुआ था। मेरे को ये पड़ा था करीब 1,40,000 का, 1,65 का बताया था, और फिर 1,40 तक मेरे को पड़ गया ये। ओके गाइस, तो अभी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। इसके अंदर ये मिला बैग, ये है वाटरप्रूफ बैग, और ये मैंने इसको पहले खोल लिया था, आपको अनबॉक्स करके दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने गाइस कॉम्बो वाला पैक लिया था, तो इसके अंदर ये देखो, ये 3 बैटरी आती है, एक अभी ड्रोन के अंदर लगी हुई है और 2 इसके अंदर है, तो इनको एक साथ चार्ज भी कर सकते हैं, और इसका पावर बैंक की तरह भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ से देखो इसकी बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं अपन, तो ये फुल है, और ये मैंने डिस कर दी पहले चला के। इसके अलावा देखे तो गाइज ये चीजें है जो कि ड्रोन के ऊपर लगती है प्रोटेक्शन के लिए। तो गाइज ये है अपना छोटा सा ड्रोन, बिल्कुल लाइट वेट है, 250 ग्राम का है, और ये है इसका रिमोट जो कि डिस्प्ले वाला है, कुछ इस टाइप से दोनों। तो इसको कुछ इस टाइप से खोलते हैं, देखो यहाँ से ये नीचे होता है, इधर से नीचे होता है, इधर से ऊपर होता है, और ये अपना ड्रोन रेडी। तो चलो इसको एक बार एक फर्स्ट फ्लाइट लेकर भी देख लेते हैं इसकी। तो ये मैंने किया इसको ऑन, और गाइस सबसे बढ़िया बात है जो शॉट अपन शूट करते हैं, तो ये देखो इसके अंदर ये वाला मोड भी आ गया नए वाले के अंदर, के इसके अंदर खड़ी वीडियो बना सकते हैं अपन। देखना मैं पीछे से बटन प्रेस करूंगा, तो आप एक बार इसकी क्वालिटी देखो, तो कुछ क्वालिटी एक नंबर है, और खड़ी वीडियो बना सकते हैं, ये सबसे बेस्ट फीचर है। और एक बार उड़ा के देखते हैं इसको, 1, 2, 3, और ये गया ऊपर। स्टेबिलिटी चेक करो आप तो इसकी, कितनी शानदार है, बिल्कुल हिलता भी नहीं है, आराम से एक जगह पर उड़ सकता है। और अब इसको लैंड करते हैं। ओके गाइस, उड़ा के तो देख लिया, और अब एक बार मेरी मम्मी के साथ में प्रैंक करते हैं। उसको ड्रोन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, उसको पता भी नहीं ड्रोन होता क्या आखिर में, तो इसको चुपके से उसके पास कैमरा सेट कर देंगे और फिर ड्रोन भेजेंगे, क्या रिएक्शन रहता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। ओके गाइस, तो अभी मैं खुले खेत के अंदर आ चुका हूँ, और अभी अपन इसकी हाइट और दूरी चेक कर लेंगे कि ये कितनी हाइट तक जाता है और कितनी दूर तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन हाइट पर भेजते हैं कितनी हाइट तक जाता है। वैसे तो इसके अंदर लिखा हुआ है 120 मीटर, ये गया, तो अब मैं इसको सीधा ऊपर भेजता हूँ, 1, 2, 3। तो गाइस अभी जा चुका है ये, और देखो मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे 89 मीटर हाइट ऊपर जा चुकी है, मतलब 90 मीटर के लगभग जा चुका है, और अब इसको ट्रिगर ऊपर करके भेजता हूँ मैं इसको। देखो 92-95, मतलब 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है ये, मैक्सिमम एल्टीट्यूड पहुंच चुका है, और यहाँ से तो देखना मुश्किल हो रहा है। वहां पर है बिल्कुल जस्ट मेरे ऊपर है बादल, है व्हाइट व्हाइट, तो उसके अंदर दिख रहा है, तो पूरी हाइट तक मैंने पहुंचा दिया इसको। तो अभी वापस लेके आते हैं इसको नीचे, ये आ गया, इसके अंदर सेंसर है, तो इसके नीचे हाथ लाते हैं, देखना ऊपर जाएगा। तो गाइस अभी सामने की तरफ वहां पर टावर है, तो उस टावर के पास पहुंचाते हैं, कैसा लुक आता है टावर का, जस्ट ऊपर रखेंगे इसको। तो ये कर ले मैंने इसको ऊपर, और ये गया आगे, अभी दूर है टावर, तो अभी जा रहा है बिल्कुल जस्ट उसके सामने ही है। टावर की हाइट 40 मीटर है, तो टावर यहाँ से पूरा दिख रहा है, और अभी टावर से ऊपर है जस्ट ये। तो गाइस ये रहा यहाँ पे देखो टावर, ये छोटा सा दिख रहा है ना, तो चलो इसको लेके आते हैं। तो गाइस अभी इसके अंदर 3 मोड दे रखे, सिने, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड, तो तीनों के अंदर इसकी स्पीड कितनी होती है वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे तारबंदी है, तो उस तारबंदी के कॉर्नर से इधर की तरफ कितनी सेकंड में क्रॉस करता है वो चीज दिखाई गई। मैं इसको सीने मोड पे सेट कर देता हूँ। ओके तो जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, आराम से टहलते हुए जा रहा है ये तो, और ये क्रॉस कर ली इसने। तो अभी सीने मोड पे था ये, अब इसको नॉर्मल मोड पे कर देता हूँ जो कि बीच में है। यहाँ पे पोल के ऊपर सेट कर दिया, अब मैं उसको इधर से इधर भेजता हूँ। ओके स्टार्ट हो चुकी है रेस, और अभी देखो ये खेत के नीचे घास वगैरह दिख रही है, और ये अभी काफ़ी फास्ट जा रहा है, काफी फास्ट जा रहा है, और ये निकल गया काफी स्पीड से गया, ये तो और भी कम टाइम में होगा। तीसरा मोड चेक कर लेते हैं इसका, अभी इसकी फुल स्पीड हो चुकी है, और ये अपनी जितनी स्पीड हो सकती है उसमें भागेगा, ठीक है। ये ओ तेरी निकल गया यार, बहुत फास्ट निकला, तो इसका भी पता चल गया होगा कि किस मोड में कितनी स्पीड दे रहा है। तो गाइस ये है GoPro, और इसका वेट मेरे को पता नहीं है, इसको अपन इसकी हेल्प से उठाने वाले हैं। ओके गाइस, तो डर बहुत ज्यादा लग रहा है, इसके अंदर खतरा ये है कि ये थोड़ा सा झूलने लग गया तो ड्रोन को डिसबैलेंस करके गिरा देगा। मेरे को तो बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, अभी ऐसे उठा के देख रहा हूं ना तो बहुत भारी लग रहा है। बंद हो गया, तो ज्यादा लोड पड़ते ही कुछ इस टाइप से बंद हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड, ये सही बोला। ओ अरे यार उठा लिया
डिसबैलेंस नहीं हो रहा है ना, स्टेबल है गाइस, और ये तो ऊपर जाता जा रहा है ऑटोमेटिक ही। देख रहे हो यार, काफी स्टेबिलिटी से रिकॉर्ड हो रहा है इसे, और यार इसको बैलेंस करने चक्कर में ये ऊपर जाया जा रहा है इसका वेट उठाने के लिए। देखो लैंडिंग कर दिया फिर भी धीरे धीरे आ रहा है ये तो। भाई साहब देखो 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 देखो, डिसबैलेंस होने की कोशिश कर रहा है यार, खतरनाक स्टेबिलिटी है इसकी यार गाइस। तो गाइस मेरा तो कालजा धक धक कर रहा है लेकिन इसने उठा लिया, थोड़ी बहुत फुटेज स्टेबल नहीं है, मतलब इसके अंदर हिल रहा था ये, और थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो रहा था। तो गाइस बाकी और इस ड्रोन के साथ क्या क्या टेस्ट और एक्सपेरिमेंट किया जाए आप कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और साथ में नीचे सब्सक्राइब के बटन को भी दबाते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।